नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेराव और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब। आज बाड़मेर के डिप्टी सीएमएचओ पीसी दीपन को एक शिकायत मिली थी कि धोरीमना उपखंड में एक अवैध क्लिनिक चल रहा है। पीसी दीपन अपनी टीम के साथ आज धोरीमना पहुंचे। जैसे ही उस अवैध क्लिनिक की जो शिकायत मिली थी वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर कार्यवाही करने वाले थे कि इस दौरान उस क्लिनिक संचालक रतनलाल और कुछ अन्य लोगों ने पीसी दीपन के साथ बदतमीजी की, उनके साथ धक्का मुक्की की और फिर उन्हें धक्के निकाल कर वहाँ से निकाल दिया। पीसी दीपन ने समझदारी दिखाते हुए अपनी गाड़ी में बैठ गए और वहाँ से निकल गए और इसकी जानकारी उन्होंने धोरीमन्ना पुलिस को दी, एसडीएम को दी और अपने उच्च अधिकारियों को दी। तुरंत प्रभाव से धोरीमन्ना एसडीएम, धोरीमन्ना पुलिस, तहसीलदार और बाड़मेर के सीएमएचओ डॉक्टर बाबूलाल विश्नोई वहाँ मौके पर पहुँचे। उन्होंने उस क्लिनिक संचालक रतनलाल के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज करवाया है और आसपास के जो अन्य लोग थे जिन्होंने पीसी दीपन के साथ अभद्रता की उनके खिलाफ भी मामला दर्ज करवाया है। ऐसी शिकायत मिली थी कि रतनलाल बाहरी राज्य का है और पिछले लंबे समय से यहाँ पर अवैध रूप से क्लिनिक संचालित करता है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता है। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर जाँच शुरू कर दी और बात ये भी सामने आई कि जब पीसी दीपन को वहां से धक्का देकर बाहर निकाला गया और उसके बाद रतनलाल और उसके कुछ साथी वहां से फरार हो गए। धोरीमन्ना पुलिस फिलहाल पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। पहले आप वो वीडियो देखिए जिसमें पीसी दीपन के साथ अभद्रता की गई है, उन्हें धक्के दिए गए हैं और उसके बाद इस मामले को लेकर पीसी दीपन ने क्या कहा है ये हम आपको सुनाते हैं। रीट भर्ती परीक्षा की अच्छी तैयारी कहाँ से करनी चाहिए? रीट हो या कोई भी अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षा, सभी के लिए राजस्थान का सबसे विश्वसनीय कोचिंग है सक्सेस पॉइंट बाड़मेर। लेकिन बाड़मेर जाकर तैयारी करना संभव नहीं है? तो क्या हुआ, अब सक्सेस पॉइंट बाड़मेर मोबाइल ऐप पर मिल रहे हैं सभी कोर्सेज, वो भी बहुत ही किफायती फीस में। फिर अभी ऐप इंस्टॉल कर लेता हूँ। जी हाँ, रीट या सेकंड ग्रेड या फिर हो स्कूल व्याख्याता की तैयारी की बात, शुरू करें सक्सेस का सफर सक्सेस पॉइंट के साथ। क्या हुआ था आपके साथ और किस लिए आए थे आप सर? आज सीमितो साहब, सीमितो वार्ड में डॉक्टर बाबूलाल जी विश्नोई के निर्देशन अनुसार हम लोहारवा गांव में कोई अवैध क्लिनिक चल रही थी और उसकी लंबे समय से शिकायत आ रही थी कलेक्टर साहब के पास में, सीमितो साहब के पास में। तो सीमितो साहब ने निर्देश दिए आज कि आज आप लोहारवा गाँव जाओ और वहाँ जाकर उस क्लिनिक के खिलाफ आप कार्रवाई करो। तो मैंने सीमितो साहब को कहा, मैंने कहा पुलिस प्रशासन और मेरे को आप प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम तहसीलदार की भी साथ में व्यवस्था करो। तो उन्होंने कहा आप पहुँचो, आपकी पहुँचती 5-10 मिनट में वो भी आ जाएंगे। तो हम वहाँ पहुँचे, पहुँचने के बाद में मैंने सीमित साहब को फ़ोन लगाया, मैंने साहब वो जो डॉक्टर है वहाँ का लोकल वो भी अभी तक आया नहीं है और ना कोई पुलिस प्रशासन आया नहीं। तो उन्होंने कहा बस 5-10 मिनट में आ रहे हैं, 5-10 मिनट में आ रहे हैं। इस तरह से वो पुलिस प्रशासन और उसमें प्रशासन अधिकारी वो मौके पर नहीं पहुँचे। उस कुत्ते में क्या हुआ कि वो बंगाली जो था उसने फ़ोन करके लोगों को इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद में भीड़ इकट्ठी हो गई और उन्होंने हमारे साथ में बदसलूकी की, जान से मारने की कोशिश की, शटर बंद कर दिया उन्होंने दुकान का और हम वहाँ से जान बचा के भागे। उसका भी वीडियो वगैरह है लोगों के पास में और इस तरह से हमने आके पुलिस थाना रिपोर्ट दी, हमने FIR लॉन्च करवाई और हमारा मेडिकल भी करवाया यहाँ पे। और उन्होंने जिस तरह से वो थापा मुको से और लातों से वो उन्होंने जो मारपीट की थी उस मारपीट से अच्छा हुआ कि हम जान बचा के भागे, नहीं तो हमारे साथ बड़ी अनहोनी होने की संभावना थी।